हो गया हो गया, तीन फोटो चलेगा। विजेता जी के साथ रन सिंह, हेमंत सिंह, जितने भी वरिष्ठ महिला अधिकारी हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सबको नमन करती हूँ। मैं विजेता वर्मा आप सबों के बीच आज उपस्थित हूँ आज को पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। इसका सबसे अहम मुद्दा ये है कि ये बहुत बड़ा भरोसा है जो मैं सुरेश महतो जी के लिए व्यक्त कर रही हूँ यहाँ खड़ा होकर। मुझे इन पर भरोसा है, इनकी पार्टी पर भरोसा है और इसलिए मैं इस पार्टी में आई हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे पलामू क्षेत्र में और रांची क्षेत्र में मैं जितनी मेहनत करने को तैयार हूँ। जीतने वालों की भीड़ में एक नाम हमारा भी होगा, जीतने वालों की भीड़ में एक नाम हमारा भी होगा, साथ आप सबका होगा, काम हमारा होगा। प्रदेश भर में महिलाएं कर रही, लंबे समय से
चाहे वो गांव के ग्रामीण व्यवस्था की महिला हो या शहर में नेतृत्व करने वाली। ये अवसर पार्टी ने हमेशा दिया है, प्लेटफॉर्म पार्टी ने हमेशा दिया है, और इसलिए आज भी हम कह सकते हैं कि दलीय रूप से सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व या नेतृत्व करने वाली अगर कोई पार्टी इस प्रदेश में है तो आजसू पार्टी है। पार्टी ने गांव के भावनाओं को प्रतिनिधि के माध्यम से प्रथम बार यह अवसर दिया, पंचायत के माध्यम से वही नगर इकाई के चुनाव में भी हूबहू लागू हुआ कि जब प्रदेश के अंदर में चूल्हा चौका तक सीमित और अपने निजी काम में एक आम महिला सीमित महिला को भी सीधे तौर पर 500 की आबादी से 50,000 की आबादी तक में प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया, जिसका रिजर्वेशन प्रतिशत राज्य में 50%, जहां महिलाओं ने अपनी भागीदारी के प्रतिशत को 57 कर लिया। तो इस प्रदेश में यह संभावना केवल नेतृत्व का नहीं बल्कि अधिकतर गांव में कामकाजी महिला भी आपको महिलाएं मिलेंगी, शहरों में भी अनुपात बराबर का है। आइए इस प्रदेश को जो अभी अभी हम लोग ने विश्व महिला दिवस का पूरा सप्ताह के बीच में ही हम लोग हैं, और ऐसे में प्रियता जी का ये कदम निश्चित रूप से उस अभियान को बल देगा और संवाद का ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहे और संगठन का विस्तार ये पूर्णतः प्रदेश भर में हो और सबसे ज्यादा विश्वास का केंद्र आजसू पार्टी बने। इन्हीं संभावनाओं के साथ पूरे पार्टी के सारे सहयोगियों का और आज आए हुए सभी साथियों का फिर से धन्यवाद, फिर से जोहार करते हैं।